ओए भाई 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 साहब, रेस देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट गियर में लगा के छोड़ दिया। तो ये पंगा होता है भाई छोटी बाइक के साथ, टूर करके बहुत मजा आ रहा है। पंगा हमारे वहाँ पे जोड़ होते हैं जिसमें बैसन आती है, इससे बढ़िया है। बड़ी उत्साह होकर हम नाको झील देखने आए। गाँव में दो बरोले पानी के खंडा दो, वह नाको झील है ऐसे जी। अरे भाई यार रुक मत जाइए, तो मेरे को तो लग रही है की ये रुकेगी। ना ना ना, चल 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 चल। ओ भाई साहब, वो देखो रुकी, वो क्लासिक रुकी, वो रुकी। राम राम जी सारे ने। तो भाई आज 12 जून 2023 और अभी फिलहाल हम डबलिंग में बैठे हुए हैं। और ये जो है ना डबलिंग में एक ही होटल, आप इसको कह सकते हो कि यही खुला हुआ है ढाबा टाइप। फिलहाल अभी चाय चल रही है। बाकी भाई 8 बजे के आसपास हम सब रेडी हो चुके थे, और जो हर्षु भाई की बाइक है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कल के ब्लॉग में, आपने देखा होगा। तो अब जाके ये दुकान वगैरह खुली है, ट्यूब मिली है, और आगे ही जो है ना पंचर वाला है वहीं पे, वो उसकी सेटिंग करवा रहे, पंचर वंचर लगवा रहे। तो फिलहाल अभी चाय मंगवा रखी है, चाय पीते हैं, बाकी उन्होंने तो पी ली। तो कल का कैसा सीन रहा, मजा आया? कल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मजा आया, सब ने एंजॉय करा अपने राइड का। और यहाँ ओपन में टेंट लगा के रुके हम, वो भी बहुत बढ़िया रहा। और हर्षु भाई की अगर बाइक थोड़ी सी साथ देती तो और आगे निकल सकते थे हम, शायद नाको ब्रेक लग सकते थे। हाँ, नाको हम रुक सकते थे, लेकिन बाइक में थोड़ी दिक्कत की वजह से हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे और उतना ही मजा आया जितना नाको में आया। हाँ, और रोड साइड जो टेंट लगाया था ना, वो पहला एक्सपीरियंस था हम सभी का। अभी फिलहाल जो है ना कैंपिंग ही चल रही है, तीसरा कौन सा दिन हमारा, 9, 10, 11, 12, चौथा, आज हमारा चौथा दिन है, 12 तारीख है। तो आज जो है ना आपको बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन दिखाएंगे। एक लोकेशन तो जस्ट अभी 10-12 किलोमीटर के बाद आएगी खाब, जो कि संगम है, और यहाँ से आगे जो है ना वो स्पीति रिवर बन जाएगी फिर। तो इस रिवर का नाम है सतलुज, और आगे जाके ये हो जाएगी फिर स्पीति। ये काजा तक, काजा से आगे जो है ना स्पीति ही रहेगी। सतलुज नदी ऑलरेडी आ रही है, स्पीति नदी एक छोटी नदी है, ट्रिब्यूटरी है, वो जाके खाब में क्या होगी संगम मिल जाता है। हाँ, और फिर वो स्पीति रिवर बन जाती है। ये तो सतलुज मिल जाती है, आगे ही कह रहा हूँ, आगे आगे वो स्पीति हो जाती है ना फिर। हाँ, मतलब हमारे लिए स्पीति हो जाएगी। हाँ हाँ, और हमारे कैशियर साहब क्या बना सर? हाँ जी सर, इस बार जो है ना जो हिसाब किताब का जो भी लेखा जोखा है वो संदीप भाई के हाथ में रख रखा है। सब अजय की मेहरबानी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अच्छी तरह निभाऊंगा, लेकिन कैश से ज्यादा मुझे ऐश में मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का ऐसा अनुभव कभी शेयर किया नहीं, ना मैंने देखा। यहाँ से तो ऐसा जी कर रहा है, यहाँ से चलते ही नहीं, धीरे धीरे चलते रहे। चलो जी ठीक है, चाय पीते और फिर निकलते हैं, आपको निकलते हैं आगे की तरफ, मिलता हूँ आपको गोप्रो मोड़ पे। क्या प्रोग्रेस है? होगी लगी ट्यूब? अच्छा, ट्यूब तो लगवा ली, पुरानी लगवा ली, नई इस पेड़ के लिए रखी है। ठीक है, भैया ने बहुत अच्छा जुगाड़ करा है, नई ट्यूब काट लगवाई है। हाँ, इसमें लगा दिया नई ट्यूब काट कर। ठीक है ठीक है, ठीक है रहे हो। चलो ठीक है। तो भाई अभी जो ना यहाँ से पंचर वगैरह लगा दिया, बाइक में फ्री हो गए। और ये जो सर है रिटायर्ड? अच्छा, तो सर को थोड़ा सा इसमें बताओ आप। तो सर को जो ना थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हमारे भी बाइक वाइक देख के, भाई पूछ रहे थे भाई बहुत अच्छा है भाई ये लोगों का, मैं हिम्मत देख के मैं कर रहा हूँ, ये लोग आगे जा रहे हैं और रास्ते में मिलते रहेंगे। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन वासुदेव है, हम लोग भी इनके साथ साथ ही हैं, पर हम लोग कार में हैं, ये लोग बाइक में हैं। तो लेट्स होप अगली ट्रिप में इनके साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, आराम से चलना भाई। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर, वीडियो देखना, लेह लद्दाख तक की मिलेंगी इसमें, अभी पक्का देखिए। जी जी जी, ठीक है सर। सब कामों से फ्री होके अभी हम जा रहे हैं, और टाइम हो गया जी 9:21, और यहाँ से 4 किलोमीटर रहता है खाब। और अभी फिलहाल हम चल रहे हैं NH5 नेशनल हाईवे 5 पर, जो खाब है ना यहाँ से एक राइट को ऊपर रास्ता जाता है, वो जाता है आपका चाइना बॉर्डर जाता है वो रास्ता, उस पर आपको सिविलियंस अलाउड नहीं है वहाँ पे। और ये देखो क्या ग्रीनरी है भाई, सब वाटरफॉल देखो, क्या गजब का लग रहा है ये देखो, मतलब गिने चुने पेड़ हैं, बीच में ये वाटरफॉल ये देखो। और इसका पता नहीं लग रहा भाई साहब कहाँ से आ रहा है ये देखो, दो नदियाँ आ रही हैं, ये दोनों का कलर जो ना अलग अलग है। राइट साइड का जो है वो मटमैला कलर है, उसका पता नहीं भाई कौन सा रंग है, वो उधर से आ रहे हैं और हमने वहीं पे जाना। और वो रास्ता देखो भाई साहब क्या गजब का है, ये पुल है जी वो, और यहाँ से एक ऊपर रास्ता जा रहा है, वो जाता है चाइना बॉर्डर की तरफ, और बंदे हमारे आगे रुके हुए हैं। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिखाना था आपको दूर से व्यू कैसा लग रहा है। हेलो भाई, नीचे आ चुके हैं, और ये है ना जो आपको यहीं पे एक ही रेस्टोरेंट ढाबा आपको देखने को मिलेगा, और
आगे से आपको मैं अगर दिखाता हूँ तो ये जो रिवर है इसको बोलते हैं सतलुज, और ये आ रही चाइना से। यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास खाब गांव है और उससे आगे है चाइना बॉर्डर। ये सतलुज रिवर आ रही है, ये भाई कुछ ऐसा पुल है, और वो अजी अपनी स्पीति रिवर। स्पीति रिवर यहाँ पे मिल के ये बन जाती है जब सतलुज रिवर, आगे जो है ना ये सतलुज के नाम से जानी जाती है, वो स्पीति रिवर है। और हम जो है ना अब काजा तक इस स्पीति रिवर के साथ में रहने वाले, काजा तक। पुल पर गाड़ी खड़ी ना करे सीमा सड़क संगठन। भाई साहब गजब है यार, ये लोकेशन एकदम प्राइम लोकेशन है, गजब है जी। ये देखो भाई साहब, इसी के जस्ट आगे ही ये देखो पहाड़ कैसे बिल्कुल ऐसे, और बीच में से ये इस तरीके का काट रखा है। ये देखो सेम भाई साहब, सेम जो आदि क्लास की कंडीशन है ना, वैसे ही पहाड़ है यहाँ पे भी। ये देखो कैसे दरारे आ रखे भाई साहब, कैसे कट बने हुए बीच में भाई साहब। यहाँ भी बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ है यार, वो देखो पहाड़ पेड़ कापे है बिल्कुल चोटी पे। ये देखो कैसे निकलने को हो रहा भाई साहब, ये देखो पहाड़। और हमने जाना जी, ये देखो ऊपर अब जो है जिगजैग ही आगे यहाँ पे, और बिल्कुल वहां पे टॉप पे जाना उस पे। और इसकी देखो जी बाइक की हालत क्या हो गई अभी से, थर्ड गियर है और अभी भी डाउन जा रही स्पीड, ये सेकंड लगाना पड़ गया। ये देखो अभी भी नहीं चल रही, ये पंगा होता भाई छोटी बाइक के साथ। ओम बोले, मैं आपको विंटर की बात बताता हूँ। विंटर स्पीति जब हम आए थे ना 17 जनवरी को चले थे हम, तो ये जो पैच है अभी नाकों की चढ़ाई कर रहे हैं हम, तो इस पूरे जो जिग जैग है पूरे में भाई साहब ब्लैक आइस थी, पूरे में ब्लैक आइस। अभी देखो कितना ऊपर आ चुके हम, ये यहाँ से तो दिखेगा नहीं, ये आपके व्यू पॉइंट है वहाँ पे, वहाँ से दिखाते हैं आपको। फिलहाल अभी मैं और बबलू भाई हैं, क्योंकि हम बना रहे थे भाई रील वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो वगैरह, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को, भाई साहब बहुत ही गजब की बने भाई साहब एक रील, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। और इंस्टाग्राम का हैंडल यहीं कहीं आ रहा होगा मेरा भी और बबलू भाई का भी, जाके चेक करना। तो भाई ये देखो ये है वो व्यू पॉइंट, ये देखो नज़ारे, और वहां से हम आए ये नीचे। कैसा लगा बबलू भाई फिर? बहुत जबरदस्त। हाँ पर क्या है, बहुत अच्छा रोड मिला है, बर्फ बर्फ कुछ नहीं है अभी तक। हाँ और बहुत मजे कर रहे हैं। ना तो इस पूरे रास्ते पे बर्फ ही बर्फ थी, ब्लैक आइस थी। हाँ। अभी नाको तक बर्फ थी ऊपर। हाँ जहाँ भी जाएंगे हम बिल्कुल नाला पूरी बर्फ। हाँ भाई साहब इस पूरे एरिया में ना बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ ही बर्फ। आप लोग है ना एक बार जरूर देखना भाई साहब विंटर में कैसा दिखता है स्पीति, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, आप देखो भाई एहसास करो उसको। अभी तो देखो बिना ग्लव्स के कुछ पैर भी नहीं रखा, ये सिंपल पजामा। उस टाइम तो भाई साहब उनकी जुराब दो दो पैर रखी थी, जूते, ये इनर हो गया, वार्मर हो गए, जैकेट -10 वाली, सब कुछ पैक था भाई साहब, हाथ पैर सब कुछ। कहीं से ये नहीं था कि भाई हवा अंदर चली जाए, इस तरीके से पैक थे। और भाई साथ के साथ है ना बताते रहना कमेंट करके आपको कैसा लगा ये एरिया, मज़ा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा वीडियो देखने में, और जो भी कुछ हो बताते रहना। तो भाई फाइनली नाको पहुंच चुके हैं, और ये भाई पीछे जो रेस्टोरेंट था ना, ये वही जगह है जहां हम रात को जो है 11:30 बजे आए थे हम यहाँ पे। और ये देखो जी अपनी पुरानी निशानी है जी 2021 की, ये आज इस पे लिख के भी जाएंगे 2021। आज बैनर लगाएंगे, ये जितने भी जो लिखा हो ना मार्कर से, ये सारे अपने बंदे थे, ये जितने भी हैं। दही पराठे का ऑर्डर दे दिया, दही पराठे खाते हैं। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक कट है नाको विलेज के लिए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है और फिर आ जाएगी आपकी नाको लेक, वो आपको दिखाते हैं। बाकी कुछ बाइक भाई यहाँ पे लगा दी है हमने, और ये सामने हेलीपैड है। राम राम गुरु जी, राम राम। साथ टूर करके बहुत मजा आ रहा है, पहली बार हम गुरु जी के साथ यहाँ आए हैं, और पहाड़ों के नजारे देख करके दिल खुश हो गया। चलो बढ़िया बात है भाई,
कुछ ये भाई पहले आ गए थे यहाँ पे लगा दी थी मैंने बाइक, ठीक है जी। और फिलहाल का नज़ारा कुछ ऐसा अभी नाक को, बस भाई यही है पत्थर ईट रोड यही देखने को मिलेंगे। और ठीक है जी, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो भाई अगर आपको नाको लेक देखनी है ना तो ये रास्ता है, ये लिखा हुआ जी लेक व्यू होटल दिस वे नाको। तो नाको गांव है जी, यहाँ से शुरू हो जाता है नाको गांव। वेलकम टू नाको विलेज। तो यहाँ से सिर्फ 1.25 किलोमीटर की दूरी पे है भाई। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, ये ऊपर की तरफ, और बस थोड़ा सा आगे ही जो है नाको लेक है, ये आपका उस साइड का ही है नाको लेक वो। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपको वहीं पे। तो भाई अभी जो है ना ये लास्ट पॉइंट है, आप बाइक वगैरह लगा दी हमने और ये नीचे जाने का रास्ता है। तो ये जितने बंदे दिख रहे हैं आपको सब देख के आए, ये बताएंगे पहले जशी भाई आप बताओ। भैया नाको लेक देखने के लिए टाइम ना खराब करें, कितनी दूर आ रहे हैं कुछ और पॉइंट को देखोगे तो टाइम बचेगा। इससे बड़े बड़े तो पानी के झोड़ जो है गाँव में देखे हैं हमारे, वहाँ पे जो झोड़ होते हैं जिसमें भैंसन आती है इससे बढ़िया है, इससे बड़े बड़े। इसलिए हम तो अपना अपना सजेशन होता है, हमारा ये व्यू है क्योंकि आप कहीं और पॉइंट को चेक करो, यहाँ टाइम खराब करने के लिए। बाकी वीडियो में आपको दिखा भी देंगे कि ना ना मुश्किल है, मैं नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा भाई साहब। विचार बताता हूँ जी, अब मैं अपने विचार बताता हूँ जी, अब हम तीनों विचार बताओ बताओ बताओ। देखो जी, बड़ी उत्साह होकर हम नाको झील देखने आए, हमने वहाँ लंच किया, बस ये हो सकता कि आप यहाँ से नीचे चले जाओ और ऊपर आ जाओ, आपका लंच पच जाएगा। बाकी ऐसा होता है, खुदा पहाड़ निकली चुकी है गांव में, दो बरोले पानी के खंडा दो वहाँ नाको झील है ऐसे जी। तो टाइम बचाओ अपना, आगे कहीं और अच्छी जगह जाओ, जोड़ तो खुदा पानी गाँव का ट्वेल अच्छा है, इससे तो बढ़िया, कम से कम साफ सुथरा पानी तो है, बदबू मारने वाला पानी है। मछलियां भी बाहर आकर कह रही चलो सिंगल लेक का फोटो खींचा, बाज जाए ना को लेके देख। एक दो मछली भी ये कह रही है बाहर निकल के हमें बचा लो, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, बचा लो भाई। चलो वो दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, चलो जी वहाँ मिलते हैं आपको। तो ये थोड़ा सा रास्ता है 100-150 मीटर का बता रहे हैं कि आगे जाके एक व्यू पॉइंट है, तो ऐसा कुछ रास्ता भाई। और कह रहे थे भाई बाइक वगैरह चली जाएगी, ये देखो जो नीचे नाको, और यहाँ पे देखो ओ भाई साहब बोटिंग भी हो रही है अब तो, ये देखो नीचे, चलो भाई साहब जा तो रहे हैं, ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए नहीं तो बोल जाएगी ये, क्योंकि पीछे बाइक पे वजन भी कुछ ज़्यादा ही है। ये नीचे लेक है जी, ऊपर से दिखाएंगे आप, ओ भाई साहब बस रुकियो मत ना भाई, बस चढ़ जाइए भाई, रुकिए मत ना। चल 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 चल, शाबाश 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 भाई साहब, भाई साहब बहुत गजब की फोटो आएगी भाई। अरे जशी भैया कहाँ चले गए, हेलो चल 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 भाई, तगड़ा ही ऑफ रोड है ये, ऊपर क्या है जी। अरे भाई यार रुक मत जाइए तू, मेरे को तो लग रही है कि ये रुकेगी, चल 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 चल, ना 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 चल 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 चल, चल 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 चल, भाई साहब रुक गई थी, इतनी खतरनाक, सही था ना, ये तो रुकी थी बीच में भी, खड़ी हाँ।
ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। ओ भाई साहब वो देखो रुकी, वो क्लासिक रुकी, वो रुकी, ओ ये क्लासिक भाई साहब चढ़ नहीं रही है। ये कादिर भाई की बाइक है, पूरी रेस देख आने दो, आने दो आने दो आने दो। क्या था ये, चलो छोड़ दो भाई, चलते जी ऊपर की तरफ, आपको दिखाते क्या है वहाँ पे। तो भाई अभी मैं ऊपर की तरफ गया था तो ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, जो यहाँ तक ऊपर तक चला जाऊँ मैं, ये झंडे वगैरह लगा रखे ना तो रास्ता है नहीं जाने का। बाकी अपने प्रदीप भाई गए हैं उस साइड, तो देखते हैं भाई वहाँ पे क्या है। ये नज़ारा है जी यहाँ से, ये नाको विलेज, ये व्यू पॉइंट है भाई, वो थोड़ा सा आगे से दिखाते हैं आपको। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव नाको, ये सामने ये, और ये व्यू पॉइंट है भाई, ये सामने लेक, ये पूरा गांव। यही था। और आप भाई आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि आपको ये व्यू पॉइंट कैसा लगा, या आपने पहले कभी किसी वीडियो में देखा हो तो। हाँ भाई भाई वो भाई 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 भाई, ये देखो भाई सब, रेस देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट गियर में लगा के छोड़ दिया। और भाई साहब खतरनाक है यहाँ पे बैलेंस बनाना ना भाई साहब, ये भी एक कला है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये देखो जी यहाँ से ये है, ये व्यू है, शानदार है जी शानदार। ओए भाई 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 साहब, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है बाइक का, क्योंकि पीछे ही वजन है ना, तो बाइक ऐसे नागी डांस कर रही है।